दोस्तों अभी मैं अपने फार्म पे हूँ और आज अपने फार्म से एक नई बछड़ी जो मैं खरीद कर लाया हूँ उस बछड़ी को मैं दिखाऊंगा वो कितना ब्रीड में है। आज से 10 दिन पहले हमने खरीद कर लाया था। क्यों खरीदा, लाने से पहले किसान भाई ने AI भी करवा दिया है, कौन से बुल से करवाया, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगा। इसमें कुछ आप लोगों को ये भी सीखने के लिए मिलेगा, मुझे जो आता है मैं कुछ आपको टिप्स भी दूंगा कि जो मैंने बछड़ी खरीदा है उस तरह की बछड़ी अपने बिहार के अंदर बहुत कम मिलता है। अगर वैसी बछड़ी मिलती है तो आपको भी खरीदना चाहिए। तो खरीदने से पहले आपको क्या क्या पहचानना है वो भी मैं बताऊंगा कि ब्रीड वाली जो बछड़ी होगी HF ब्रीड की वो किस डिजाइन में होगी, किस मॉडल की होगी तो आप खरीदेंगे। और दाम की अगर बात कर लेते हैं तो दाम 2 रुपया सस्ता या 2 रुपया महंगा अगर मिले उस तरह की तो आप भी उस तरह की बछड़ी खरीद सकते हैं। हमें पसंद पड़ा तो हमने भी खरीदा है। चलिए मैं आपको उस बछड़ी को दिखाता हूँ, कितने हज़ार का लेकर आया, ये सभी चीज़ें आज फाइनल मैं बता दूंगा क्योंकि आज से लगभग 10 दिन पहले खरीद कर लाया, मैंने उसका अपडेट नहीं दिया था तो आज मैं सोच रहा हूँ कि उसी के बारे में आज का अपडेट रहे। तो उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे बिहार के अंदर जब इस तरह की बछड़ी नहीं मिलती है तो पंजाब से या बाहर स्टेट से हम लोग खरीदते हैं। तो जब हमारे बिहार के अंदर इस तरह की बछड़ी मिलेगा तो जिसे ज़रूरत होगा वो कौन नहीं खरीदेगा। ये बछड़ी देखने से आपको किस तरह का लगती है ये तो कमेंट्स में बताना ही है। देखें पहले आप इसका शक्ल सूरत देख लें, बैठी हुई है, देखें पहले आगे से देखें, इस तरह की बछड़ी बहुत कम देखने के लिए मिलता है। ये बहुत खूबसूरत लग रही है देखने से भी, इस तरह का घोड़ा देखने के लिए मिलता है जो ये शक्ल में काफ़ी पसंद भी आता है, आँख का और शक्ल सूरत का काफ़ी खूबसूरत बछड़ी है। अब करना क्या है आपको मैं पहचान थोड़ा सा मैं बताऊं। पहले यहाँ पे आप इसका अगर सर जो देखेंगे सिंग दगा हुआ है और ये बाल जो है ना, ये बाल जब इस तरह का आता है तो ये भी एक ब्रीड का पहचान है। इसे मैं उठाऊं पहले, इसका शरीर जो होगा ना, ये शरीर जो हम बोलते हैं ऊपर का पीठ जो है ये पूरा सीधा होना चाहिए। ये सीधा रहेगा तो आप समझें कि ये ब्रीड में है। और ये शेप जो है यहाँ से ये जितना भी में बनेगा, यहाँ पे एक हड्डी होता है, यहाँ पे एक हड्डी है और यहाँ पे एक हड्डी है, तो ये जितना भी बनेगा उतना समझें कि ब्रीड में है। लेग स्क्वायर की बात करते हैं तो लेग स्क्वायर पूरा सीधा होना चाहिए, दोनों पैर ये सीधा अगर रहता है जितना उतना समझें ब्रीड में है। खुर जिसको हम लोग बोलते हैं, खुर का चौड़ाई ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज होना चाहिए। इसका आप देख सकते हैं मीडियम है, 11 महीने की ये बछड़ी है और छोटा छोटा है, जितना ये छोटा होगा गोल होगा उतना समझें कि बढ़िया है ब्रीड में। तो ये सब पहचानने का तरीका है। हमने इसको पटना सोनपुर से ख़रीद कर लाया है, हमारे सुजीत भाई जो हैं वो उन्होंने ही ये बछड़ी दिलवाया है। काफ़ी बढ़िया ब्रीड की बछड़ी है, लगभग हमने इसको 32,000 में परचेज़ किया है एक किसान भाई के पास से, काफ़ी बढ़िया लग रहा था इसी वजह से हमने इसको परचेज़ किया है। ये बछड़ी किस बुल की है ये तो हम लोग को नहीं पता है कि किस बुल की है, लेकिन देखने से मालूम चलता है कि ये काफ़ी ब्रीड में है, इसके वजह से हमने ख़रीदा है। इसको जो AI किया गया है 25 जनवरी को AI किया गया है, जो कि नॉर्मल सेमेन 5 स्टार से ही किया गया होगा, ये भी कंफर्म नहीं है क्योंकि किसान से बात हुआ तो उन्होंने बताया कि हमें बुल नंबर नहीं पता है। हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 5 स्टार से ही इसका AI किया गया होगा, तो हम चाह रहे थे कि ये रिपीट कर जाए तो हम लोग जो है इसके अंदर सेक्स सेमेन या कोई बढ़िया सेमेन लगा देते, लेकिन ये अब तक हीट में नहीं आई है। अगर हीट में आ जाती है तो हम लोग को बढ़िया होगा क्योंकि इससे बढ़िया सेमेन लगाकर बढ़िया बच्चा लिया जा सकता है। काफ़ी बढ़िया ब्रीड होने की वजह से ये बछड़ी हम लोग ने खरीदी थी। अगर ये कंसीव भी कर जाती है तो हम लोग को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, दूध सिर्फ ले पाएंगे इससे लेकिन बछड़ी नहीं ले पाएंगे। तो अगर हम लोग चाह रहे थे कि ज़्यादा की रिपीट कर जाती तो हम लोग को मज़ा आता कि इसको AI दोबारा करके हम लोग अच्छा सेमेन लगाते ताकि मज़ा आता। तो ये एक बछड़ी है, कैसी बछड़ी लग रही है ये आप कॉमेंट्स में बताएँ, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया। अगर आप के एरिए में इस तरह का अगर बछड़ी मिले तो आप ज़रूर परचेस करें, और अगर ब्रीड पे काम करना हो तो आपको बहुत ज़रूरी होता है इस तरह का बछड़ी खरीदने के लिए। हमें भी ज़रूरी था, हमने भी ज़रूरी समझकर ही ख़रीदा है। इस तरह का बछड़ी अक्सर मिलता नहीं है, लोग पंजाब हरियाणा इस तरह से मंगवाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं हो तो वो अपने एरिए में ही इस तरह का बछड़ी ढूंढें, जहाँ मिले आप ज़रूर खरीदें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।